शुक्राचार्य महाराज की अवस्था कब थी? जब 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 वो जब गुजरने लगे तो 25 वर्ष के थे, और जब अंतिम समय आया तो 25 वर्ष समय हो गया। उस लोग 25 लेते हैं, वो प्रत्येक 25 लेते हैं। वो आप लोग एक नवरात्रों में एक 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 स्तोत्र पढ़ते हो, उसमें लिखा मया पंचाशी तेरधि कबली केतु अशिदानिं चेन मातस्तव यदि कृपाना जोविता विरारम्भो लंबो। आप लोग पढ़ते हैं, माता जी सामने प्रकट हुई, इनके शंकराचार्य जी महाराज के सामने प्रकट हो गई। उनको शंकराचार्य जी को पता था मेरा प्रयाण का समय आ गया। माता जी क्या हाथ जोड़ करके मया पंचाशीते रधिक मनीते तू ऐसी इदानीं चिन मास्टर तभी हे माँ यदि आपकी इच्छा है तो कृपा कर दो, कृपा का वरदस्त मेरे हाथ मेरे मस्तिष्क पर दो। और छत्तर मंदिर में कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज, शंकराचार्य महाराज कहते हैं भजि गोविंदम भजि गोविंदम भजि गोविंदम भजि भजि गोविंदम भजि गोविंदम गोविंदम भजि गोणमते भजि गोविंदम भजि गोविंदम ये जो कन्हैया का चिंतन न करे बुद्धि, जो कन्हैया का स्मरण ना करे वो मूढ़ मत है। गला अंग्रेजा जी ने कहा अपने मन को समझाते हो, कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भरी मूढ़ मत है। तू भजन नहीं करता फिर भजन कब करेगा? फिर भजन अब ना भजन भजस कब भाई, अब ना भजन भजस कब भाई, और भजन नहीं करेगा कब करेगा? कदे की योजना नहीं करेगा, पशु की योजना नहीं करेगा, कुत्ते की? यदि वो बाबा का कुत्ता भी बन जाओगे तो भजन थोड़ा बहुत कर सकते हो? इतना बड़ा पोस्ट, इतने बड़े राजा का कुत्ता बनने का भी भजन थोड़ा कर सकते हो क्या? ओबामा का प्यार नहीं जाएगा भजन नहीं। भजन तो केवल कन्हैया का चिंतन, तो ध्यान तो केवल मनुष्य जन्म में किया जाता है। ध्याना ध्यास वशिक कृतेन मनसा जाए नित्यम वशिक महेश हृदय निरंतर निरावरण सब। ध्यान तो केवल आप आरती में रोज कहते हैं जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। ध्यान तो केवल 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 मनुष्य जन्म में होगा। भगवान श्री कह रहे दुर्लभ उद्धव गीता में कह रहे हैं, इसीलिए ये दुर्लभता है भगवान का चिंतन करना। इसलिए शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कई बार जन्म में कई जन्म में कीट पतंगा गुरुवाणी में गुरु नानक देव महाराज इसी बात को कहते हैं, कई जन्म है कीट पतंगा कई जन्म बन गई कुरंगा। कितनी बार हम कीड़े बने, कितनी बार मकोड़े बने, कितनी बार पशु बने, किसी बार पक्षी बने, कितनी बार कई जन्म है कीट पतंगा कई जन्म बन गई कुरंगा, पर कन्हैया का चिंतन नहीं किया तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जरे मां के गर्भ में गए। मैंने कल भी कहा था हमारे ऐसे कर्म नहीं है, हमारे ऐसा कर्म नहीं है जो दोबारा कन्हैया का चिंतन करने के लिए मनुष्य जन्म मिल जाएगा। नहीं, कन्हैया का चिंतन करते कृष्ण कृष्ण गुणगान मनवा जीवन सफल बना मनवा ऐसा अवसर कभी ना आए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए शंकराचार्य कह रहे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ई संसारे आगे शंकराचार्य और आगे बढ़े ई संसारे खल दुष्तारे। दुष्तारे का मतलब कहते हैं माना दुष्ट, संस्कृत में कहते हैं दुष्ट। दुष्तारे या तो मोक्ष नहीं देने देगा, मोक्ष का अर्थ है जीरो जीरो। दुष्तारे कृपया पारे, भगवान शंकराचार्य महाराज कन्हैया से कहते हैं, भगवान सामने प्रकट हुए, भगवान से कह रहे हैं हे गोविंद हे गोविंद, एक ही बात हे गोविंद
राक्षसण अब तो जीवन हारे सका तुम ही हो हमारे हे गोविंद राक्षसण अब तो जीवन हारे कृपया पारे पाही बुराई पाही मन शरणागत मन से बुद्धि से चित्त से प्रभु हम आपको सरेंडर करते क्या थे मन से मैयाबित मनोबुद्धि योगन भक्त श्रेष्ठिया ये तो सर्वाणि कर्माणि मै सर्विष्ट मत्परा अनन्य योगेन माम है हे ठाकुर जी हम पाही मुरारे मुरारे का अर्थ क्या एक तो मुर राक्षस को मारने वाले और दूसरा हमारा मन जो है बड़ा दुष्ट है मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते न चालिए क्षण और रात क्षण और रे मन मोहना ये हे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता है हे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता है इसीलिए हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते ना उसमें स्पष्ट किया गया हनुमान चालीसा केवल पढ़ने के लिए नहीं मन क्रम वचन सबको याद है हनुमान चालीसा ठीक है ना रोज पढ़ते हो अभी पढ़ा आपने पढ़ा अभी घर में भी जाकर पढ़ोगे जिसको नींद नहीं आती जिसको सपने भी आते रात को हनुमान चालीसा पढ़ ले पर हनुमान चालीसा में क्या करें मन कर्म वचन ध्यान जो लावे मन से मन तो यहाँ है नहीं हनुमान जी महाराज के पास ओम जय जी सर ऑफिस कटाई होगी मन कर्म वचन ध्यान जो नाम संकट से हनुमान छोड़ा संकट से हनुमान को छुड़ाएंगे जब मन कर्म वचन ध्यान मन से वचन से कम से मन से एकम वचन से एकम कर्म एकम महात्मा मनुष्य ने वचन से ने कर्म ने दुरात्मा इसीलिए यहां पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं एता वाणी लोकेस्मिन् पुंसन शिरोदया तीव्र भक्ति योगेन मनो मय्यर्पित मेरे को मन और बुद्धि को अर्पित कर दो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा समय करता अहंकार प्रभु करो नमस्कार तुम्हारे को कहने आइए दो मिनट के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करिए बोल हरि Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol.
फिर करेंगे इसका विस्तार, तुम्हारे हो गया घर वाले कर रहे तुम्हारा इंतजार, कोई रिश्ते का नहीं यार।